यदि आपने डॉवेल जोड़ कैसे बनाए भाग एक देखा है तो अब आप सुराग करने और जोड़ने के लिए तैयार हैं। दो मुख्य चरण हैं, सुराग करना और आपस में जोड़ना। चरण पहला, सुराग करना। लकड़ी और डॉवेल के सांचे के एक ओर निशान लगाने से शुरू करें ताकि गलती करने से बचा जा सके। दोनों लकड़ियों पर ए और बी का निशान लगाएं। यहाँ पर दोनों लकड़ियों और डॉवेल के सांचे की मोटाई 2.5 सेंटीमीटर से थोड़ी अधिक है। लकड़ी की आधी मोटाई ले और डॉवेल के सांचे की पूरी मोटाई में जोड़े। यहाँ पर कुल माप 4 सेंटीमीटर है। इस दूरी को ड्रिल बिट की नोक से मापें और मास्किंग टेप लगाएं ताकि सुराख करने के समय डॉवेल के सुराखों की गहराई मापने में सहायता मिल सके। सभी किनारों को एक साथ मिलाते हुए डॉवेल के सांचे को एक लकड़ी के ऊपर रखें। डॉवेल के सांचे को ऊपर की ओर रखते हुए दोनों को शिकंजे में कसें। ड्रिल को सीधा पकड़े और डॉवेल के सांचे के सुराखों के अंदर से लकड़ी में सुराख करें। मास्किंग टेप के सुराख के मुंह तक पहुंचने से पहले रोकें। यह जांचने के लिए डेथ गेज का प्रयोग करें कि आपने सही गहराई का सुराख किया है या नहीं। जोड़ की आड़ी लकड़ी तैयार करें। अब आप ए का निशान लगी हुई लंबवत लकड़ी के सिरे पर डॉवेल के सुराख बना सकते हैं। लकड़ी के सिरे पर डॉवेल के सांचे को रोकने के लिए लकड़ी की मोटाई के लिए बनाई गई प्रत्येक लाइन पर 2 कीले लगाएं। जिस ओर सुराख करना है उसे ऊपर की ओर रखते हुए लकड़ी को शिकंजे में कसें और डॉवेल के सांचे को उसके ऊपर रखें। यह सुनिश्चित करने के लिए शिकंजे का प्रयोग करें कि सांचा अपनी जगह पर रहे। ड्रिल को सीधा पकड़े और जैसे पहले किया था वैसे ही डॉवेल के सांचे के सुराखों के माध्यम से लकड़ी में सुराख करें। चरण दूसरा, आपस में जोड़ना। डॉवेल के सुराख बनाने के लिए प्रयोग की गई ड्रिल बिट से थोड़ा अधिक मोटी डॉवेल का प्रयोग करें। यदि जोड़ने में तंग है तो सही माप तक लाने के लिए आपको डॉवेल पर रंदा करने की आवश्यकता होगी। जब आप रंदा करते हैं तब डॉवेल के साइज को देखने के लिए लकड़ी का प्रयोग करें। क्योंकि डॉवेल के सुराखों को 2 सेंटीमीटर गहरा बनाया गया है इसलिए आपको डॉवेल के लिए 4 सेंटीमीटर मापने और निशान लगाने की आवश्यकता होगी। दूसरे डॉवेल के लिए एक बार और 4 सेंटीमीटर का निशान लगाएं। उन दो डॉवेल को बनाने के लिए 4 सेंटीमीटर के निशानों के साथ आरी से काटें, जिनका प्रयोग जोड़ रोकने के लिए किया जाएगा। डॉवेल के एक सिरे को गोल करने के लिए फाइल का प्रयोग करें। ऐसा करने से इसे डॉवेल के सुराख के अंदर फंसाने में आसानी होगी और एडहेसिव के लिए जगह मिलेगी। पहले डॉवेल के एक सिरे पर एडहेसिव लगाएं। डॉवेल को डॉवेल के सुराख के अंदर फंसाएं और चोट करने के लिए मैलेट का प्रयोग करें जब तक यह पूरी गहराई में न चला जाए। एडहेसिव साफ करने के लिए कपड़े का प्रयोग करें। दूसरे डॉवेल के लिए इसी प्रकार से दोहराएं। डॉवेल के बाहर निकले हुए भाग को मापें और सुनिश्चित करें कि यह दूसरी लकड़ी के डॉवेल के सुराख के अंदर सही से फिट हो रहा है। यदि डॉवेल सुराख की गहराई से अधिक लंबा है, जैसे कि यहाँ पर है, लकड़ी को एक और घुमाएं और छोटा करने के लिए आरी का प्रयोग करें। एक बार और इसकी लंबाई जांचें। डॉवेल के खुले सिरों को गोल करने के लिए फाइल का प्रयोग करें। डॉवेल और आरी के उन हिस्सों पर एडहेसिव लगाएं जो एक दूसरे के साथ मिलेंगे। डॉवेल के खुले सिरों को दूसरी लकड़ी के डॉवेल के सुराखों में फंसाने के लिए मैलेट से चोट करें। बाहर निकले हुए एडहेसिव को कपड़े की सहायता से पोंछें।
यह सुनिश्चित करने के लिए गुणिये का प्रयोग करें कि दोनों लकड़ियां समकोण में जुड़ी है या नहीं। जोड़ के किनारों पर लकड़ी का बुरादा लगाएं। अब आपने डॉवेल जोड़ बनाना सीख लिया है।